जेल भरो तहरीक अब डूब मरो तहरीक बन चुकी है। वज़ीर दाखला राणा सनाउल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जेल भरो तहरीक में सिर्फ 100 या 125 बंदा इकट्ठा हुआ है। राणा सनाउल्ला ने परवेज इलाही की ऑडियो लीक पर आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। हमें उम्मीद है, यकीन है कि इस इलेक्शन में जब भी ये होते हैं, ये जल्दी हो या अक्टूबर में हो, कौम जो है वो इस फितने की शिनाख्त करेगी और वोट की ताकत से इसे माइनस करेगी, वरना ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि किसी को, बल्कि अपने वकील को, जुबैरी साहब को, वो फलाना केस जरा फलाने जज से लगाना है। अब ये जो बेंच फिक्सिंग है, जो कि एक आदमी कह रहा है, हमारा ये मौकफ है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इसका सो मोटो नोटिस लिया जाए, अगर ये गलत है तो इसको सजा दी जाए। आप खुद जो है वो आपने कहा कि हमने जेल में जाना है, और जब आपने जेलें भरनी है तो फिर हमने जहां जहां पे आपने गिरफ्तारियां देनी है वो जेलें तो खाली रखनी है, तो इसलिए पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, उसके बाद फिर नजदीक की भरेंगे। ये चाहता है कि मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, क्योंकि इसे मालूम है कि जो मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा वो तरक्की नहीं कर सकता।